एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक ऑन इंडेड जोन चैनल। और हमारी क्लास में जो हम लेके यहाँ पे सेशन चल रहे हैं, दैट इज एम्पिटेट ग्रेड वन मेंस एग्जाम्स, इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड आपका यहाँ पे सेशन चल रहा है, जिसमें अभी हमने 20 यूनिट कंप्लीट करा है। अब 19 यूनिट में हमारा जो आज का नॉवेल है, जिसके रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे क्लास में, दैट इज वैनिटी फेयर। विलियम मैकपीस थैकरे का ये इम्पोर्टेंट नॉवेल है। आप सभी वैनिटी फेयर नॉवेल आपने सुना होगा। This novel is also known as its subtitle that is called A Novel Without a Hero. इस नॉवेल में आप जो देखोगे, इसमें लीडिंग जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं, दो फीमेल कैरेक्टर्स हैं, दो स्टोरी, ये स्टोरी दो फीमेल कैरेक्टर्स की है जो फ्रेंड्स होते हैं। उनकी लाइफ जर्नी फ्रॉम स्टार्टिंग जो दिखाया गया है, किस तरीके से फेस करते हैं स्ट्रगल, और साथ ही साथ वाटरलू से रिलेटेड वॉर के बारे में भी इस नॉवेल में उसका भी डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। बिकॉज ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस नॉवेल आर फ्रॉम आर्मी, या एक आर्मी बैकग्राउंड से हैं, आर्मी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो विलियम मैकपीस थैकरे का वैनिटी फेयर है, जिसको हम सबटाइटल नॉवेल विदाउट अ हीरो नेम से जानते हैं। और इस नॉवेल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपकी क्लास, आज की क्लास में हम करेंगे। तो आप सभी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए प्रिपेयर हो जाइए। सबसे पहले क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, दैट इज व्हेन वाज विलियम मैकपीस थैकरे बॉर्न। आपको बताना है किस ईयर में विलियम मैकपीस थैकरे का बर्थ हुआ था, मतलब जन्म किस ईयर हुआ था। 11 मार्च 1808, 5th ऑफ अप्रैल 1814, 18th ऑफ जुलाई 1811, या 30th नवंबर 1816। तो करेक्ट आंसर जो इसका है, दैट इज ऑप्शन सी। इसके डेथ ईयर के बारे में भी हम सुनेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे विलियम मैकपीस थैकरे का डेथ ईयर क्या है, वो भी हम आपको बता दें, दैट इज 24th ऑफ डिसंबर 1863। ओके, दिस इज द टाइम ड्यूरेशन, डेथ ईयर ऑफ मैकपीस थैकरे। तो पूरा अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं, तो 1811 से लेकर के 1863 का जो टाइम ड्यूरेशन था, वो विलियम मैकपीस का टाइम ड्यूरेशन था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, वेयर वॉज विलियम मैकपीस थैकरे बॉर्न। किस जगह पे विलियम मैकपीस थैकरे का बर्थ हुआ था। ही वॉज नॉवलिस्ट, ब्रिटिश नॉवलिस्ट, ऑथर, इलस्ट्रेटर, और अपने जो सैटायरिकल वर्क है इनका, ये नॉवेल है वैनिटी फेयर, इसके लिए जाने जाते हैं ये। तो जो इम्पोर्टेंट इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, कैलकाटा, जो प्रेजेंट में कोलकाता नेम से जाना जाता है, यहाँ पे इनका बर्थ हुआ था। नेक्स्ट नंबर थ्री क्वेश्चन है, Who is main character in Vanity Fair? Vanity Fair आप सभी जानते हो, A Novel Without a Hero इसका सब टाइटल है। तो इसकी लीडिंग लेडी का नेम आपको बताना है, बैकी शार्प, या है आपका जॉर्ज ऑसवेल, ऑसबर्न, रॉडन क्राउले, या है कॉलोनल डॉबिन। तो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, बेकी शार्प एंड एमेलिया आर द टू लीडिंग कैरेक्टर्स यहाँ पे है, इनकी फ्रेंड है। बेकी शार्प जो है वो इंपॉर्टेंट और मेन कैरेक्टर है वैनिटी फेयर नॉवेल से। नेक्स्ट नंबर फोर क्वेश्चन है, विलियम मैकपीस थैकरेज वैनिटी फेयर ओन इट टाइटल टू। आपको बताना है ये कहाँ से बोरो किया है इस टाइटल को। विलियम मैकपीस थैकरे ने वैनिटी फेयर जो नेम दिया है अपने नॉवेल का, कहां से टाइटल ली है। ऑप्शन डी इज द आंसर, बनियंस पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इस नॉवेल में जो बात होती है, एक फेयर की बात होती है, वैनिटी फेयर का डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। वैनिटी फेयर का यहां पे आप इस नॉवेल को पढ़ोगे, तो वैनिटी फेयर एक होता है, मेला लगता है वहां पे, वैनिटी फेयर के नेम से जाना जाता है। तो वहीं से ये नॉवेल का टाइटल, विलियम मैकपीस थैकरे ने अपने नॉवेल का टाइटल वैनिटी फेयर रखा है। अगले, हियर वी हैव द क्वेश्चन नंबर फाइव, दैट इज हु डू एमिलिया एंड रिबेका लीव टू लिव इन वैनिटी फेयर। रिबेका यहाँ पे आप बैकी शार्प को करोगे, बैकी, रिबेका शार्प जो है वो बैकी यहाँ पे इनका जो नेम है, जो लीडिंग हीरोइन है इसकी, मेन कैरेक्टर। तो रिबेका का जहां कैरेक्टराइजेशन आएगा या नेम आएगा, तो वो बेकी शार्प है उस, वो कैरेक्टर। लीव टू लिव इन वैनिटी फेयर, मतलब ये दोनों एमेलिया और बेकी शार्प जो होती हैं, वो कहाँ जाती हैं वैनिटी फेयर में रहने के लिए, किसको छोड़ करके जाती हैं, मिस पिंकन या मिस पिंकस्टन, मिस पिंकी या मिस पिंकर्टन। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा, मिस पिंकर्टन, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नंबर सिक्स क्वेश्चन, हाउ डू एमिलिया फील टुवर्ड्स वैनिटी फेयर। वैनिटी फेयर के लिए एमिलिया की जो फीलिंग है वो क्या होती है। सी डज नॉट सब्सक्राइब टू दी
hype surrounding it. She lives for nothing else but it. She wants to immerse herself in the culture of it. Yes, she feels ambivalent towards it. तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा. She does not subscribe to the hype surrounding it. देखिए अमेलिया का जो कैरेक्टर है, अगर हम बात करते हैं अमेलिया एंड बेकी शार्प की इस प्ले इस नॉवेल में, तो अमेलिया जो है एक शाय नेचर की लड़की है, बहुत ही सिंपल लड़की है. बट जहां पे बट उसी ऑन द अदर हैंड अगर आप देखते हो तो बेकी शार्प जो है वो थोड़ी सी एक तरीके से कनिंग लड़की है, और वो किस तरीके से उसका जो है स्ट्रॉन्ग विल्ड है और बहुत ही पैशनेट लड़की है जो बेकी शार्प या रिबेका का आपका कैरेक्टर देखोगे इस नॉवेल में. वही अमेलिया जिसको हम एमे के नेम से जानते हैं, सी सिंपल माइंडेड गर्ल, गुड नेचर गर्ल है और बहुत ही सिंपल लिविंग में यकीन करती है. इवन सी इज रिच, बट बेकी शार्प जो होती है वो रिच फैमिली से नहीं होती है, बहुत लो फैमिली से बिलोंग करती है. बट उसके सपने जो होते हैं वो बहुत ऊंचे होते हैं, पैशनेट होती है वो. तो यहाँ पे इन दोनों का जो कैरेक्टर, इसीलिए यहाँ पे दिया गया है कि अमेलिया किस तरीके से फील करती हैं जब वो वैनिटी फेयर की तरफ जाती रहती हैं. तो उनका जो है वो हाई सराउंडिंग के लिए ज्यादा इतना एंटरटेन नहीं होती हैं, या वो इतना ज्यादा खुद को उसमें कनेक्ट नहीं कर पाती हैं. नेक्स्ट नंबर 7 क्वेश्चन, हाउ डज रेबेका फर्स्ट ट्राई टू मेक हर वे इनटू वैनिटी फेयर. रेबेका फिर से यहाँ पे बेकी शार्प का होगा नेम, बेकी शार्प के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे. तो दैट इज हाउ डज रेबेका फर्स्ट ट्राई टू मेक हर वे इनटू वैनिटी फेयर. किस तरीके से ट्राई करती है वैनिटी फेयर जाने के लिए, मैरिंग जॉर्ज या मैरिंग एमिलियाज ब्रदर जोसेफ, या है मैरिंग रॉडन, या है मैरिंग सर पिट. तो ऑप्शन बी है, एमिलिया जो होती है अमेलिया के ब्रदर को जोसेफ को जो होती है वो कहीं ना कहीं उनसे शादी करके सोचती हैं कि मैं अपना जो रास्ता है वैनिटी फेयर की तरफ वो चली जाऊं, वहां पे जाऊं, अगर मैं इससे शादी कर लेती हूं तो मैं भी अमीर हो जाऊंगी. तो इसीलिए एक थोड़ा सा जो होता है कि वो अपनी फ्रेंड की जो अमेलिया होती है, अपने फ्रेंड के भाई जिसको जोसेफ हम बोलते हैं, उसका नाम यहाँ पे जोस है, तो उसको फंसाती हैं, उसको एक तरीके से टारगेट करती हैं कि मैं इससे शादी कर लूंगी और मैं खुद रिच बन जाऊंगी फिर, और क्योंकि मैं एक रिच लड़के से शादी करूंगी. तो ये होता है कि पहले वो कोशिश करती हैं कि मेरी शादी जो हो, या मैं एक तरीके से एंगेज हो जाऊं इसके ब्रदर के साथ में जो कि एक अमीर लड़का है. नेक्स्ट नंबर 8 क्वेश्चन है, व्हाट डज रेबेका डू एट क्वींस क्रॉले. रेबेका बेकी शार्प यहाँ पे है, सी इज टीचर, सी इज मेड, सी इज गवर्नेस, या सी इज अ कुक. तो क्वींस क्रॉले के घर पे रिबेका क्या करती है, जब रिबेका को पता चलता है, या जब रिबेका का जो एक मिशन होता है या एक तरीके से उसका जो सपना होता है जोसेफ से शादी करने का अमेलिया के ब्रदर से, वो नहीं पूरा हो पाता है, तो वहां से वो छोड़ के चली जाती है गुस्से में, उसके घर से निकलती है. फिर वो कौन सा प्रोफेशन अपनाती है, यहाँ पे है सी इज अ गवर्नेस ऑफ क्वींस क्रॉले. तो ये ऑप्शन सी इज दी आंसर. नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 9, हु हेल्प्स जॉर्ज मैरी अमेलिया. अमेलिया की शादी जो एमी होती है उनकी शादी जॉर्ज से हो जाए, वो उसमें कौन हेल्प करता है, विलियम, रॉडन, या है आपका यहाँ पे रॉडन होना चाहिए, जोसेफ, या है लॉर्ड स्टील. तो ऑप्शन ए है विलियम, विलियम डॉबिन है, ये ध्यान दीजिएगा. डॉबिन भी अगर कहीं नेम आता है तो पूरा नेम जो है ये विलियम डॉबिन है. विलियम डॉबिन जो होते हैं जॉर्ज के फ्रेंड होते हैं, कैप्टन भी होते हैं ये, जॉर्ज ऑस्बर्न के फ्रेंड होते हैं, और वो कहीं ना कहीं एक जो बहुत सॉफ्ट कॉर्नर जो होता है अमेलिया के लिए, वो अमेलिया को इवन वो विलियम डॉबिन जो होते हैं वो प्यार करते हैं, उनसे लव होता है उनका. बट वो क्या होता है कि वो अपने फ्रेंड के लिए उस अपने प्यार को कुर्बान कर देते हैं, और एक हिडन लव होता है, हाइड एंड सीक वाला इनका जो लव होता है कि इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर इनके मन में ही, ये कभी वो फीलिंग को शेयर नहीं करते अमेलिया से विलियम डॉबिन. और बहुत ही अच्छे कैरेक्टर करेक्टराइज किया गया है इनके कैरेक्टर को. और कौन हेल्प करता है जॉर्ज से, जॉर्ज ऑस्बर्न से अमेलिया की शादी में, वो करते हैं जॉर्ज ऑस्बर्न के फ्रेंड, कैप्टन फ्रेंड, दैट इज विलियम डॉबिन. नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 10, वेयर डज जॉर्ज डाई. जॉर्ज कहाँ पे इनकी मृत्यु होती है, जॉर्ज जो एमिलिया के फ्रेंड हैं जॉर्ज ऑस्बर्न, उनकी डेथ कहाँ पे होती है, वॉटर गेट, वॉटर शेड, या वॉटर बोर्ड, या वॉटर लू. तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, वॉटर लू की फाइट में, वॉर में इनकी डेथ होती है. नेपोलियनिक वॉर में ये सब फंसे होते हैं, इनको सबको वहां पे जाना होता है क्योंकि आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं. तो इसीलिए जॉर्ज का जो हम यहाँ पे बात करेंगे तो वॉटर लू का भी डिस्क्रिप्शन इस नॉवेल में
वैनिटी फेयर में विलियम मैकपीस थैकरे ने दिया है। तो इनकी डेथ कहाँ होती है, कहाँ पे ये मरती है, लड़ाई के वक्त यहाँ पे वाटरलू में इनकी डेथ होती है। ये वहां पे इनको, वेयर डज जॉर्ज डाई, इन वाटरलू। ऑप्शन डी इज द आंसर। नंबर 11, वेयर डज मोस्ट ऑफ रेबेकास फॉर्च्यून कम फ्रॉम। रेबेका मीन्स बेटी, एडमायरिंग जेंटलमैन या रॉडन इनहेरिटेंस या हर वर्क एज अ कुक, हर वर्क एज एन एक्टिविस्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है, एडमायरिंग जेंटलमैन। कहाँ से रिबेका जो थी, क्योंकि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही, इसका जो कैरेक्टर है रिबेका का, बैकी शार्प का, वो जो कैरेक्टर है वो एक कनिंग लड़की है, एक पैशनेट लड़की है। इस कैरेक्टर में जो बैकी या रिबेका के थ्रू वैनिटी फेयर में विलियम मैकपीस थैकरे ने दिखाया है। तो वेयर डज मोस्ट ऑफ रिबेकास फॉर्च्यून कम फ्रॉम, कहाँ पे इससे मैक्सिमम जो इसका फॉर्च्यून, जैसे आप एक लक की बात कर लो, कहाँ से आता था, एडमायरिंग जेंटलमैन। लोगों जो जेंटलमैन होते थे उनको एडमायर करके, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें करके, एक तरीके से आप कर लो थोड़ा सा बटरिंग करके इसको ये चीजें मिलती थी, इसके फॉर्च्यून जो आप बात करोगे कि आगे ये कैसे अपने एम्बिशियस लड़की अपने सपने को पूरा करती है, या अपना जो अपने अकॉर्डिंग जो जीती है, अपनी शर्तों को जो जीती है, तो वो इसी के अकॉर्डिंग होता है कि एडमायरिंग जेंटलमैन। नंबर 12, वी हैव व्हाट हैपेंड टू अमेलिया सन। ही इज बेस्ट फ्रेंड विद रेबेका सन या ही पासेस अवे एज एन इन्फेंट। अमेलिया केयर्स फॉर हिम एंड टीचेस हिम ऑल ही नीड्स टू नो। सी गिव्स हिम टू हिज ग्रैंडफादर। तो ऑप्शन की डी की बात करेंगे, यहाँ पे डी करेक्ट होगा। सी गिव्स हिम टू हिज ग्रैंडफादर। एमिलिया अपने सन को, बाद में इनका जो होता है, एमिलिया के साथ भी बहुत मिसहैपनिंग्स होती है, पूरे पैसे कर्ज में डूब जाते हैं, जो कर्ज ले रहते हैं उसमें चले जाते हैं, जो भी इसका एक तरीके से प्रॉपर्टी होती है, इसके जो पेरेंट्स होते हैं उनकी, वो सब डूब जाता है कहीं ना कहीं इसका, और बाद में इसकी लाइफ भी बहुत ज्यादा एक ट्रैजिक हो जाती है एमिलिया की। तो यहाँ पे क्या करती है, जो इसका जॉर्ज ऑस्बर्न से जो बच्चा पैदा हुआ रहता है उसको क्या करती है, अपने ग्रैंडफादर को वो देती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वॉट डज रॉडन थिंक अबाउट रिबेका। रॉडन जो होते हैं वो रिबेका के लिए क्या सोचते हैं, बैकी शार्प के लिए क्या सोचते हैं, आपको इसका आंसर देना है। सी केयर्स मोर अबाउट मनी देन हिम और दियर सन। सी ओनली मैरिड हिम फॉर हिज मनी। सी लव्स हर फैमिली अनकंडीशनली या सी इज वेरी ब्राइट बट डज नॉट अप्लाई हर सेल्फ। यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। रॉडन जो होते हैं, इसके हस्बैंड जो होते हैं, वो रिबेका को भी, क्योंकि एक बच्चा होता है और वो सन होता है रिबेका एंड अमेलिया दोनों को, बट यहाँ पे रॉडन जो होते हैं, इसके हस्बैंड जो होते हैं, वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। सी केयर्स मोर अबाउट मनी देन हिम और डियर सन, मतलब अपने बच्चे और उस अपने पति से ज्यादा उसको पैसे की कीमत होती है, मतलब वो पैसे को ज्यादा उसकी परवाह करती है, ना कि अपने हस्बैंड या अपने बच्चे की। तो ऑप्शन ए इज द आंसर। नंबर 14, What does Rebecca do when she meets Amelia's family on the continent? Acts like she never saw them, tries to kidnap little Georgie, या है tries to reconcile Amelia's relationship with her father-in-law, tries to marry Joseph. यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, tries to marry Joseph. ऑप्शन डी इज द आंसर। मतलब जब अमेलिया मिलती है कॉन्टिनेंट पे, रिबेका मिलती है अमेलिया की फैमिली के साथ में, या बैकी शार्प जो अमेलिया की फैमिली से मिलती है, तो वो क्या करती है, वो कोशिश करती है कि उसकी शादी जोसेफ से फिर से हो जाए। हु इज अमेलिया इन रिलेशनशिप विथ एट द एंड ऑफ द बुक। एट द एंड ऑफ द बुक अमेलिया का जो रिलेशनशिप होता है वो किससे होता है, आप सभी इसको जानते होंगे, जॉर्ज, विलियम या जोसेफ या रॉडन। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, विलियम डॉबिन से ये मिल जाती है, जो इसका एडमायरर होता है, जो इसका लवर होता है, और उसको तब से प्यार करता रहता है जब इसकी शादी जॉर्ज ऑस्बर्न से होती है। बट विलियम डॉबिन जब इसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है एमिलिया के, तो एट द एंड ऑफ द बुक उसका रिलेशनशिप विलियम डॉबिन से हो जाता है। शी इज नाउ विद विलियम डॉबिन, जो उसका एडमायरर होता है, जो उसको सच में प्यार करता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर 15 के बाद 16 है। वॉट डज लिटिल रॉडन इनहेरिट। लिटिल रॉडन क्या इनहेरिट करता है, हिज मदर डायमंड्स क्वींस क्रॉले या है हिज कजन्स इनहेरिटेंस या हिज फादर्स इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे है ऑप्शन बी, क्वींस क्रॉले। क्वींस क्रॉले का इनहेरिटेंस जो होता है उसको इनहेरिट करता है लिटिल रॉडन, मीन्स दैट वॉज द सन ऑफ द बैकी शार्प, या आपको कह लो रिबेका का जो बेटा होता है वो क्या इनहेरिट करता है, वो इनहेरिट करता है क्वींस क्रॉलीज इनहेरिटेंस। ओके, नेक्स्ट नंबर 17 क्वेश्चन है,
What suggestion does the author make at the end of the novel? Amelia and Rebecca's children were never recovered from their tumultuous childhood. या है अमेलिया एंड रिबेकास चिल्ड्रन डू नॉट हैव द हेल्थ टू लिव मच लॉन्गर. अमेलिया एंड रिबेकास चिल्ड्रन विल फेयर बेटर फार बेटर देन दे डिड. अमेलिया एंड रिबेकास चिल्ड्रन हैव लर्न टेरेबल वेज इन वैनिटी फेयर. तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, अमेलिया एंड रिबेकास चिल्ड्रन विल फार बेटर देन दे डिड. ओके, ये यहाँ पे एट द एंड ऑफ द नॉवेल में जो ऑथर सोचता है कहता है वो ये कहता है कि अमेलिया और जो रेबेका का बच्चा है ये दोनों कुछ अच्छा ही करेंगे जो रेबेका एंड अमेलिया ने किया, उससे कहीं बेहतर करेंगे या कहीं बेहतर इनकी लाइफ होगी. नंबर 18, अमेलिया कंसीडर्स जॉर्ज डेथ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी दैट कुड बी फॉल हर. हैड ही लिव्ड ही वुड परस्यूड हिज एम्बिशन टू गेन अ सीट इन पार्लियामेंट. हर लाइफ वुड हैव बीन मोर सैड. सी वुड हैव बिकम अ डचेस या दे वुड हैव मूव टू कोवेंट्री आइलैंड. तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, हर लाइफ वुड हैव बीन मोर सैड. जॉर्ज की डेथ, जॉर्ज ऑस्बर्न की डेथ के बाद जो ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी इसके साथ होती है अमेलिया के साथ में, वो हर लाइफ वुड हैव बीन मोर सैड, मतलब वो अब और ज्यादा दुखी और ज्यादा परेशान लाइफ व्यतीत कर रही होती है अपने हस्बैंड जॉर्ज ऑस्बर्न की डेथ के बाद. तो हियर वी हैव द नंबर 19 क्वेश्चन. बेकी आउटशाइंड ऑल द अदर वुमेन ड्यूरिंग अ गेम ऑफ चार्डेस बाय प्लेइंग क्लीमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया, क्लियोपेट्रा या क्लाइटिमेंस्ट्रा या है आपका दी क्लेरिनेट. तो क्या है, किसका कैरेक्टर ये प्ले करती है? लंदन में प्रिंस रेजेंट के महल में जाती है जहां पे ये वहां पे प्ले करती है रोल. किसका रोल प्ले करती है, जो आउटशाइन करती है अदर वुमेन्स की, मतलब अपने रोल से मूव, जो एक बिल्कुल साइलेंट चार्डेस का गेम होता है या प्ले होता है वो, जिसमें बिल्कुल बिना बोले हुए आपको एक्ट करना होता है. तो क्लाइटिमेंस्ट्रा का वो रोल प्ले करती हैं और सभी जो वुमेन्स होती हैं उनको आउटशाइन करती हैं और इस रोल के थ्रू वो कहीं ना कहीं जो होती हैं वो चार्म करती हैं उस प्रिंस को जो वहां पे उस रोल को या उस प्ले को देख रहा होता है लंदन में. तो 19 का जो कैरेक्टर वो प्ले करती है वो होता है क्लाइटिमेंस्ट्रा. दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको पूछ सकता है आपसे एग्जाम में. नंबर 20 क्वेश्चन है, थैकरे कॉल्स ओल्ड सर्पेट साइनस हु इन माइथोलॉजी इज. इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, ओ फैट ओल्ड मैन जॉली इंटॉक्सिकेटेड एंड अटेंडेंट ऑफ बिकॉज. ऑप्शन सी ए इज द आंसर. नंबर 21 वी हैव, हु सेड द फॉलोइंग, आई एम एन ओल्ड मैन बट अ गुड इन, I am good for 20 years. I will make you happy. See if I don't, you shall do what you like, spend what you like and have it all your own way. Charles Eggles बोलते हैं, Lord Chanan या Old John Osborne या Old Serpent बोलते हैं. तो ये जो है ये character जो बोलता है Old Serpent, थोड़े jolly जैसा बताया, jolly old man, intoxicated है, जो कि नई नई लड़कियों को या नए age की लड़कियों को थोड़ा सा उनसे उसे इंटेंगल करने में, उनका एक अफेयर उनसे चलाने में, उनके साथ रिलेशनशिप में रहने में उनको बड़ा अच्छा लगता था. तो ये ओल्ड सर्पेट की बात हो रही है. नंबर 22 वी है, हु सेड द फॉलोइंग, यू आर अ क्लेवर वुमन बट यू मैनेज टू वेल, यू नो बूट क्रॉले या है जेम्स क्रॉले, पिट क्रॉले या रॉडी क्रॉले. ये कौन बोलता है, ये बोलता है बूट क्रॉले. ऑप्शन ए इज द आंसर. 23, who said the following, what is the noble heart that man has and how shamefully that woman plays with it. If I could have had such a husband as that, a man with a heart and brains too, I would not have minded his large feet. Amelia Sedley बोलती हैं, Becky Sharp या Maria Osborne या Rosie Carton. तो यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारा वो ऑप्शन बी करेक्ट है, Becky Sharp. ओके, ऑप्शन बी इज द आंसर. सो वी हैड डिस्कस्ड हियर सम फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू वैनिटी फेयर. प्लीज कमेंट मी व्हिच ईयर दिस नॉवेल वाज पब्लिश्ड. दिस नॉवेल मींस हम बात कर रहे हैं आज वैनिटी फेयर की. तो यहाँ पे वैनिटी फेयर लिखेंगे, वैनिटी फेयर नॉवेल कब पब्लिश हुआ था, आपको उसका आंसर देना है. ओके,
कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिएगा। ये क्वेश्चन है आज का, इन विच ईयर वैनिटी फेयर नॉवेल वॉज पब्लिश। आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देखना है या चैट बॉक्स में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम ग्रेट एक्सपेक्टेशंस रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग अदर वीडियोस रिलेटेड टू एमपीटेट ग्रेड 1। प्लेलिस्ट आपको एंड स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको प्लीज क्लिक करिए एंड वॉच आउट करिए। इसमें वीडियोज जो अपलोडेड है, आपकी क्लास, आपका सिलेबस अपलोडेड है इसमें, प्लीज डू वॉच।